नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। थाना अजीतमल क्षेत्र के गांव मलगवान में एक मकान में अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई। सीओ अजीतमल व स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर मारा छापा। अजीतमल थाना क्षेत्र के गांव मलगवान में एक मकान से ध्रुव सिंह नाम का अपराधी अवैध तमंचा बनाते हुए पकड़ा गया, जबकि एक मौका पाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मकान से 9 तमंचा, एक बंदूक व कई अदबने तमंचे बरामद किए। पकड़े गए व फरार अपराधी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि फरार अपराधी की तलाश की जा रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, उसके तहत अजीतमल थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वाट टीम और अजीतमल पुलिस को यह सूचना मिली कि अवैध रूप से यहाँ पे हथियार बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर जब दबिश दिया गया तो वहाँ पर अवैध रूप से हथियार बनाने की कारखाना बरामद हुआ। मौके से एक व्यक्ति ध्रुव सिंह पकड़ा गया, जो निर्भय गैंग का सदस्य भी रह चुका है। एक व्यक्ति अयोध्या वहां से भाग गया। मौके से हमको 8 अदद तमंचा देसी 315 बोर, 1 अदद तमंचा देसी 312 बोर और एक देसी बंदूक 12 बोर बरामद हुआ। इसके अलावा 2 अदबने तमंचे और ये बनाने के जितने भी उपकरण थे वो सब मौके से बरामद हुए। इस पे FIR दर्ज कर लिया गया है। जो गिरफ्तार है निर्भय गैंग का साथी सदस्य, जिसके ऊपर पूर्व में भी काफ़ी मुकदमे हैं, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके साथी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसके लिए बहुत दिनों से जानकारी मिल रही थी स्वाट टीम को, जिसपे इनके इंस्पेक्टर तारिक, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र और इनकी टीम द्वारा अथक परिश्रम करके इनको गिरफ्तार किया गया है और दूसरे की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या माना जाए, चुनाव के लिए तैयारी चल रही थी? निश्चित रूप से हम जो ये अभियान चला रहे हैं वो चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कर रहे हैं। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते थे, इसलिए इनको 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया।